भगवान कृष्ण की अष्टपट राणी, उनमें से एक राणी है जामोवती नाम, वो जामोन की कन्या है, यानी खूब दीर्घायु है। जो वयोवृद्ध होते उम्र लायक होते, हमारे पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, कितना भी पराक्रम क्यों ना हो, उनकी सलाह लेने से हमारा कार्य और अच्छा निखर के आता है। तो हनुमान जी ने कहा कि बाबू जी आप वेल एक्सपीरियंस है, आपने मेरे से दीपावली बहुत ज्यादा देखी है, तो उचित सिखावनु दीजो, मुझे मार्गदर्शित करें कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जामोद ने कहा कि हमारा काम है सिर्फ सीता को देख के आना, सीता ही देखे कहो सुधी पाई। ऐसा सोचकर हनुमान जी महाराज निकले, मगर कैसे निकले, जिम यमोग रघुपति कर बाना यही बाती चले। रघुवीर का बाण जा रहा है वैसे हनुमान जी महाराज की गति, उसको कोई रोकने वाला नहीं। जाप बंद के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति पाए, उसको हृदय से अच्छे लगे कि जामवंत जी कहते हैं वो सही है। तब लगी मुहि पर खेहु तुम भाई, सभी बंदरों को कहा कि अब मेरी प्रतीक्षा करें, सही दुख कंद मूल फल खाए, आपको थोड़ा कष्ट होगा मगर आप कंद मूल खा के मेरी प्रतिज्ञा करें। जब लगी आबो सीता ही देखी, वही काज मोहि हर्ष विशेष, यह कहि नाई सबद कहु माता, चलेउ हर्षि हिय धरि रघुनाथा। तो फर्स्ट ट्रैवलिंग हनुमान जी महाराज की यात्रा का आरंभ। तो यह विशिष्ट शब्द मुझे ये लगता है कि हृदय में राम को धारण किया और यात्रा का आरंभ किया। चलेउ हर्षि हिय, ही अर्थात भैया हृदय, ही धरी रघुनाथ। तो किसी भी कार्य के लिए आप निकल रहे हो, वो कार्य कितना भी जटिल कठिन या दुर्गम क्यों ना हो, हृदय में राम को प्रस्थापित करके निकले, आपका कार्य संपन्न होगा। यहां हनुमान जी महाराज ने प्रस्थान पहला किया तो हृदय में रघुनाथ को रखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर छोटा सा पर्वत था, उसके ऊपर कूद के छलांग लगा के चढ़ गए। कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संभाली, हृदय में राम को धारण किया। फिर जो उड़ना है जाना है सेल लगाना है, यानी कि सेल तो लगा दिया, गेयर पे गाड़ी डालना है, तो पुनः बार बार रघुवीर संभाली, बारंबार भगवान राम का स्मरण किया। तर के उपवन तलय बलभारी, जी गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी महाराज ने जोर से छलांग लगाई और कोई भी क्रिया का आघात और प्रत्याघात होता है। यहां आघात ऐसा हुआ कि जिस पर्वत के ऊपर, जिस भूधर के ऊपर हनुमान जी महाराज चढ़े थे, उतने जोर से छलांग लगाई कि वो छोटा पर्वत पाताल में चला गया। इतना वेगवान, जय गिरि चरण दई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी इधर गए और पर्वत नीचे चला गया, घात और आघात एक साथ, मगर जा रहे कैसे जा रहे, जैसे भगवान रघुवीर ने बाण छोड़ा हो और तीव्र वेग से जा रहे। जिम यमोग रघुपति कर बाना, यही भांति चले उन्होंने। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि एटले जल का निधि, समुद्र ओसन दरिया। समुद्र ने सोचा ये भगवान का काम करने के लिए जा रहा है। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ये भगवान राम का कार्य करने जा रहा है, ते मैना होई श्रम हारी। मैना पर्वत को कहा कि आप इस हनुमान जी महाराज को विश्राम की व्यवस्था करें। ये मैना पर्वत उठता हुआ पर्वत है,
जो दीति के गर्भ में, शिव पुराण की कथा आती है, दीति गर्भवान हुई तो इंद्र ने सोचा कि इससे जो जन्म होगा वो राक्षस होगा। राक्षस जन्मी है दीति, तो राक्षस का प्रादुर्भाव न हो इसलिए इंद्र ने ब्रह्मास्त्र चलाया, गर्भ को काट दिया। और इंद्र ने सबको जीता, मगर एक मैनाक पर्वत, इस वक्त पर्वत बने, मगर मैनाक पर्वत इंद्र से जीता नहीं गया। तो ये मैनाक पर्वत है, या तो मैना का भाई भी है, मैना रानी का भाई भी है। वो 49 मरुत की बात थी, वो दीति के बच्चे वाली वो बात थी, वो 49 मरुत, ये मैना का भाई है, यानी कि शिव का वैसे साला लगता है। मैनाक पर्वत का और हनुमान जी का संबंध ढूंढे तो हनुमान जी 11वें रुद्र है और मैनाक पर्वत मैना का पुत्र है, यानी कि सती अम्बा का भ्राता है। तो समुद्र ने आदेश दिया कि आप हनुमान जी महाराज को विश्राम दे। जब भी आप अच्छे काम के लिए निकलते हो तब अच्छे लोग समाज में आते हैं, वो आपको एप्रिसिएट करते हैं और आपका सम्मान करने का सोचते हैं। मगर अभी तो काम शुरू हुआ है, नोबेल कोज गुड पर्पस, मगर सिद्ध नहीं हुआ है। और हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अभी संपन्न नहीं हुआ, मुझे सम्मान स्वीकारने का कोई अधिकार नहीं। बीच में मैनाक पर्वत खड़ा हो गया तो हनुमान जी महाराज अपमान भी नहीं कर सकते और सम्मान ग्रहण भी नहीं कर सकते। तो हनुमान जी महाराज ने रास्ता निकाला। हनुमान देही परसा कर पुन किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहु कहां विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव होश दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पटइन आई कही तेही बाता। आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन बैठो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माही। कवन सुकाज कठिन कवन हु जतन, देही नहीं जाना ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरी तेही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेही तेऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप देखावा। सत जो जन तेही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहर आवा,
मांगा भी दाता ही सिरुनावा मोहि सुरन जेही लागी पठावा बुद्धि बल मर मुँह तोर में पावा राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय मैना को आगे रखा मैना बीच में अपना रूप धारण करके हनुमान जी के रास्ते में आ गया स्वागत की मुद्रा में मैनाक था मगर हनुमान जी ने सोचा कि अभी तो राम कार्य पूरा नहीं हुआ है अभी विश्राम करने का समय नहीं है राम काज किन्हे बिनु मोहु कहां विश्राम तो हनुमान जी ने स्पर्श कर लिया स्पर्श किया और प्रणाम किया कई बार हमारे सामने प्रसाद आता है समझो हमने खा लिया या तो खाने की इच्छा नहीं या तो शुगर है दूसरी बार आ गया तो हम क्या करते हैं उसको स्पर्श कर लेते हैं और प्रणाम कर लेते हैं यानी कि ग्रहण भी हो गया और सम्मान भी हो गया आदर और सत्कार दोनों हनुमान जी ने मैनाक का कर लिया हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम कर से प्रणाम किया और कहा आपका अच्छा भाव है मगर राम काज किन्हे बिनु मुहु कहा विश्राम हनुमान जी ने कहा कि मुझे विश्राम करने का अधिकार नहीं वहां से आगे निकल गए समय बर्बाद किए बगैर मगर हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा के लिए जात पवन सुखदेवन देखा देवताओं ने देखा कि हनुमान जी महाराज निकले चलो परीक्षा करते हैं जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा ये दोनों चीज साथ में कम होती है बल और बुद्धि रेयर केस में कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है या तो बड़ा बलवान होता है उसका भी भेजा खाली होता है या तो भेजे में खूब होता है तो दुर्बल होता है बहुत कम ऐसे किस्से मिलते हैं कि बल और बुद्धि भगवान साथ में देते हैं तो चलो बल और बुद्धि की परीक्षा करें सुरसा नाम अहिं कई माता सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा पठाई में आई कही ते ही बात उसको भेजा गया पठाया पढ़ा के भेजा गया क्या आप तपास करें ये जो जा रहा है बंदर उसकी बुद्धि और बल कैसा है अहिन अर्थात अहिरिपु विष्णु का वाहन है अहिरिपु अहि अर्थात सर्प सर्प का शत्रु अर्थात गरुड़ तो विष्णु भगवान का वाहन है अहिरिपु गरुड़ तो अहिन के माता अहिन अर्थात स्त्रीलिंग सर्प का स्त्रीलिंग क्या होता है सर्पिणी सर्पिणियों की माता नागिन की माता नाग और नागिन और नागिन की माता सामने आ गई तो हनुमान जी सोचने लगे कि क्या करें पहले तो प्रणाम किया कि माता जी मुझे जाने दो आज सुरन मोहित दिन आ रहा हनुमान जी के सामने आके बोलने लगे कि आज देवताओं ने मुझे भोजन भेज दिया है गुड डिश वैसे मैं उड़ते हुए पंख को गाड़ हुआ आज मगर बंदर उड़ता हुआ मुझे फर्स्ट टाइम कुछ नॉवेल्टी भगवान ने भेज दी सुनत बचन कह पवन कुमार खुद को खा जाने की बात की तो हनुमान जी महाराज मति धीर है उतावले नहीं हुए कहा माता राम काज करी फिर मैं आ गई मां तो ऐसा कर मैं
राम का कार्य करने के लिए निकला हूं, वो कार्य करके आ जाऊंगा, फिर उस बात को मैं प्रभु को सुना के आ जाऊं। तब वो बदन बैठी हूं आई, लंका में जाके सीता का समाचार प्रभु राम को दिया हूं, फिर मैं स्वयं आके आपके मुख में चलाऊंगा। तब बदन बैठी हूं आई, सामने से आकर हे सुरसा मैं तेरे मुख में तेरा ग्रास बन जाऊं। सत्य कहो मोहि जान के मन, मां का स्त्री है तो हनुमान जी मां कहते हैं, कोई भी स्त्री हनुमान जी को मां ही दिखती है। मां मुझे जाने दे, कवने वो जतन दे ही नहीं जाना। कई प्रकार के जतन किए, कई प्रकार के प्रयास किए, मगर हनुमान जी को जाने नहीं दिया। हनुमान जी बोलते हैं ग्रससी न मोहि कहे वो हनुमान, हे मां मुझे अभी मत खा जाना, मेरा राम काज बाकी है, जो जन भरे ते ही बदन पसारा। हनुमान